हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं दिव्या और आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं बॉश डिशवॉशर जो हमने नया खरीदा है उसमें उसको यूज़ कैसे किया जाता है। बड़े बर्तन जो है वो नीचे की रैक में जचाने हैं, एक ऊपर की रैक है और एक नीचे की रैक है। छोटे बर्तन ऊपर जचाने और बड़े बर्तन नीचे। डिशवॉशर लगाने के बाद अपन चाइल्ड लॉक लगा देंगे ताकि बच्चा उसको पाए। यहाँ पर जचाने सभी कप्स और कटोरी, चम्मच, कांटे और ये बस मसाले निकाल दे रहे हैं। नीचे की तरफ प्लेट्स भी जचाते हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे बॉश डिशवॉशर को इंडियन यूटेंसिल्स के लिए कैसे यूज करना है। प्लास्टिक के बर्तन, जो कांच के बर्तन है वो रख सकते हैं और स्टील के सभी बर्तन रख सकते हैं।
एक ढक्कन सर्फ डाल दिया आधे घंटे में भी तो कर सकते हैं ना। चलो ये तो ऑटो पे लगा दिया। हाँ तो फिर तो अभी तो ऑटो पे। अभी बर्तन धुले हुए निकलेंगे तब देखेंगे अपन। डिशवॉशर अब बंद हो चुका है, उसका टाइमर अब टाइम शो नहीं कर रहा है, बंद हो गया। अपन को बर्तन निकालने होंगे इसमें से, इसका टाइम फिनिश हो चुका है। हम देख सकते हैं कि इसमें बर्तन जो है वो धुल चुके हैं अच्छी तरह से, और अब हम देख सकते हैं कि बर्तन जो है इसमें धुल चुके हैं अच्छी तरह से। और ये देखिए सभी बर्तन हमने जो इसमें रखे थे, एकदम धुल चुके हैं और सूख भी चुके हैं, बिल्कुल सूखे बर्तन हैं, धुले हुए धुल भी गए हैं और सूख भी गए हैं सभी बर्तन, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है इनमें। थोड़ा सा पानी इसमें लगा हुआ है, धुल चुका है। हाँ आती हूँ लेके, हाँ लेके आई हूँ। बर्तनों को निकालते जाएंगे। ये अपनी नीचे गिरेगी इसको एकदम पूरा, हम देखेंगे कि यहाँ से डिटर्जेंट जो फिनिश हो चुका है, तो बार ऊपर की तरफ आ चुका है। और ये हमारी
प्लेटें जो हमने फेंक रखी थी इधर क्लीन है और सूख भी चुकी है। अपने इधर क्लीन और सूख चुकी है सभी प्लेटें। ये जो हमारे बर्तन थे ये देखते हैं, देखिए धुल चुके हैं, धुल चुका है, एकदम क्लीन चमक रहा है, धुल के सूख चुका है, धुल के देखिए चमक रहा है धुलने के बाद। डिशवॉशर की मदद से और डिशवॉशर को खाली कर लिया, डिशवॉशर को खाली करके इसको रैक को बैक करके हम अपना डिशवॉशर जो है बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं हूँ दिव्या और अभी हमने देखा कि कैसे हमने डिशवॉशर की हेल्प से अपने सभी बर्तन इंडियन यूटेंसिल्स क्लीन कर लिए हैं और सभी क्लीन यूटेंसिल्स जो हैं वो मैंने डिशवॉशर के अंदर से निकाल करके और ये जो मेरा बर्तनों का रैक है इनमें रैक रख दिए और आप देख सकते हैं कि कितने क्लीन जो है एकदम ये यूटेंसिल्स क्लीन और सूखे हुए एकदम निकले हैं। बर्तन एकदम नए की तरह चमक रहे हैं, जैसे नए बर्तन खरीदा उस तरह से चमक रहे हैं बर्तन। ये देखिए आप बर्तनों की जो शाइन है, क्योंकि थोड़ा शाइनर भी डलता है इसके अंदर। ये देखिए शाइन, देखिए बर्तनों की, देखिए आप पतीले जो अपन पतीला यूज़ करते हैं उसकी शाइन देखिए। हालांकि कहते हैं कि कॉपर जो है यूटेंसिल्स अपन इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा, यदि कॉपर तो बेसिकली जो है कॉपर जो अंदर जहाँ पर कॉपर होता है वो आपको ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जो कॉपर के यूटेंसिल्स हैं या फिर जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हैं, जो एल्यूमिनियम की यूटेंसिल्स हैं, वो अपन डिशवॉशर में नहीं साफ करते अपन। जो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स हैं, जो ग्लास के यूटेंसिल्स हैं, जो स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स हैं, जो ये जो मिलामाइन के यूटेंसिल्स हैं, जैसे कि जो बच्चों की ये जो प्लेट की ये मिलामाइन प्लास्टिक की प्लेट होती है बच्चों की, तो ये जो है इस तरह के सभी बर्तन अपन जो कि डेली यूज में ज़्यादातर अपन यूज़ करते हैं वो अपन डिशवॉशर में बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। और वॉश डिशवॉशर जो है मुझे तो अभी तक ये पता चला कि प्री रिंस जो है नहीं करना पड़ता है वॉश के डिशवॉशर में, और वॉश का डिशवॉशर फ़िलहाल सबसे अच्छा मुझे ऐसा लगा कि अभी फ़िलहाल यही है। और भी डिशवॉशर्स अच्छे होंगे लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा ब्रांड, और यूज़ करने के बाद भी काफ़ी टाइम मुझे हो गया है ये जो बॉश का डिशवॉशर है उसको यूज़ करते हुए, और इसको काफ़ी यूज़ करने के बाद में मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा इसको बॉश डिशवॉशर को यूज़ करना, और इसमें बर्तन धुलने का जो काम होता है परफेक्टली हो जाता है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एनीबडी टू फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, फॉर गेटिंग रिड ऑफ द मेड एंड द टेंट्रम्स ऑफ द मेड, एंड फॉर डेली मेड जो है छुट्टी भी लेती है लेकिन डिशवॉशर आपसे कभी छुट्टी नहीं मांगेगा। दूसरी बात, डिशवॉशर जो है वो आपके सभी काफ़ी क्लीन रहते हैं, कई मेड्स जो होती हैं जो अच्छे से क्लीन नहीं करती हैं, एकदम बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर देता है यूटेंसिल्स को, और आप और आपको किसी भी कोई भी और पर्सन आपके घर में आता है तो आपको उससे सिक्योरिटी जो है इतनी नहीं हैम्पर होती है घर की, और डिशवॉशर
तरह की जो मशीन है उससे आपका काम भी हो जाता है, आपकी घर की सिक्योरिटी भी सेफ्टी भी रहती है, और साथ ही में आपको कोई छुट्टी भी डिशवॉशर आपसे नहीं मांगेगा और बर्तन भी आपके बहुत अच्छी तरह से चमक जाएंगे. सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द डिशवॉशर थिंग फॉर द इंडियन यूटेंसिल्स पर्टिकुलरली. एंड द बॉश डिशवॉशर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से. सो गो फॉर इट.